कार्रवाई हो जाएगी सर, तो हो जाए। हम शिक्षा का अधिकार मांग रहे हैं जो संविधान के अनुच्छेद 21 एवं 21A में अधिकार हमको दिया गया है, फंडामेंटल राइट है हमारा। हम शिक्षा ग्रहण करेंगे, शिक्षा ग्रहण करने में अगर DM साहब कार्यालय में हमको तलब कर लेंगे, जेल भेज देंगे, तो इन बच्चों के लिए हम जेल भी जा सकते हैं सर, कोई दिक्कत नहीं। क्या मामला है, क्या कार्रवाई करेंगे? हमसे घूस मांग रहे थे, हमारा गरीब स्कूल है, हम किसी तरीके से उधार लेके हम किसी तरीके से बिल्डिंग बनवाए, व्यवस्था किए, 3 साल से हम व्यवस्था कर रहे हैं स्कूल चलाने की, और आज हमसे घूस मांगा जा रहा है। गरीब स्कूल कहाँ से देगा? बच्चे चंदा देते हैं तब टीचर सब्जी का पैसा पाते हैं, आप सुनेंगे तनख्वाह उनकी तो परेशान हो जाएंगे, बेचारे सिर्फ सेवा कर रहे हैं। कौन मांग रहा है पैसा? पैसा मुझसे संतोष कुमार गुप्ता BSA साहब के कहने से मांग रहे हैं। अगर हमारे स्कूल में या हमारे पत्रावली में कोई कमी थी तो शासनादेश के अनुसार निरीक्षण के 15 दिन के भीतर BSA साहब को हमको नोटिस देना चाहिए कि आपके विद्यालय में ये कमी है। मैं कमी नहीं पूरा करता तो हमारी गलती थी। आज वो हमको मान्यता रद्द करने के बाद, घोषणा देने के बाद स्कूल बंद करवा रहे हैं, कमी बता रहे हैं, ये गलत है, ये शासनादेश के खिलाफ है। हस्तक्षेप भी लग रहा है, राजनीतिक हस्तक्षेप भी है। यहाँ सांसद, मंत्री, विधायक भी फ़ोन करते हैं। रिकॉर्डिंग में LTI महोदय ने कहा था कि ऐसा है, इसमें ऊपर से दबाव है।